हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ले आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये बेसिकली बिग फन का 37 कीज का पियानो है। तो आज हम करने वाले हैं इसका रिव्यू, इसके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे, कौन से बटन किस काम में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बॉक्स की बात कर लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं। इसके बॉक्स में इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये 37 कीज का है, बेसिकली 8 टोन्स हैं, 8 राइम्स हैं, 4 परकर्सन्स हैं, 6 डेमो हैं, वॉल्यूम कंट्रोल बटन है, टेम्पो कंट्रोल बटन है, एनिमल सॉन्ग इफेक्ट्स हैं, सॉन्ग रिकॉर्डिंग है और सॉन्ग प्ले है। और ये मार्केट में आपको 500 से 1000 रेंज की किसी भी प्राइस में रेंज में मिल सकता है। बहुत सारे सेलर्स हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट में और अमेजन में, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर सेल मिलेंगे तो ये और भी सस्ता आपको पड़ सकता है, तो उसी हिसाब से आप अपना प्लान करिए। तो बात कर लेते हैं, ये कंट्री मेड इन चाइना है इसकी, तो जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज मेड इन चाइना, तो आप इसको भी कंसीडर करिएगा लेने से पहले, आपको लेना है या नहीं लेना। तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में आप इसके एक पियानो मिलता है आपको, एक माइक मिलता है रिकॉर्डिंग के लिए, और बस दो ही चीज़ मिलती है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो ये चलता कैसे है, तो ये बेसिकली ये आपके किसी भी मोबाइल चार्जर से चल जाएगा। मोबाइल चार्जर आप इसको लगाना पड़ेगा, या फिर आपको 3 बैटरी जहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी तो लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप कोई भी आपको मोबाइल चार्जर है आप यहाँ पे इसको ऐसे प्लग इन करेंगे और ये ऑन हो जाएगा। और इसमें सेकेंड स्लॉट क्या है, ये आपको माइक, जो माइक आपको यहाँ पे मिला हुआ है बेसिकली इसको, इसका प्लग है, इसको प्लग इन करने के लिए है। और ये थर्ड स्लॉट एक यूएसबी का है, ये बेसिकली एक स्लॉट ही है, इसके अंदर कोई यूएसबी नहीं है। इसको आप कट करेंगे तब भी आपको यहाँ पे बेसिकली आपको कोई स्लॉट नहीं मिलेगा, सिर्फ ये देखने के लिए है। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की, कि ये क्या साइज़ का है, कितना पोर्टेबल है, कितना है कि नहीं। तो इसकी लेंथ की अगर बात करें तो इसके बेसिकली ये आपको देखा जाए तो 16.75 सेंटीमीटर का, सॉरी इंच का है, और सेंटीमीटर में अगर देखें हम इसको तो बेसिकली ये 42 सेंटीमीटर लगभग है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई बेसिकली इसकी आपको 6.5 इंच मिल जाएगी, और इसकी सेंटीमीटर में अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 16 सेंटीमीटर का चौड़ा है। तो वैसे वेट की बात करें काफ़ी लाइट वेटेड है, ये बिल्कुल फील भी नहीं होता कि आपके हाथ में है। तो ये है इसका। अब चलिए इसको एक बार स्टार्ट करके इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसमें ये सारे कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या कंट्रोल्स है, कैसे इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं और ये सारे ये कैसे इसमें प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें आपको बैटरीज डालनी पड़ेगी, तो मैं इसमें बैटरी डाल देता हूँ। ये डल गई इसमें बैटरी, अब इसको ऑन करके इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, सबसे पहले आपको इसको ऑन करना होगा और फिर आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने एक धुन बजाई, तो आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या टोन्स हैं। तो टोन्स जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 8 टोन्स हैं इसमें। T1 को आप प्रेस करेंगे तो पियानो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका है। T2 आपका ऑर्गन, T3 आपका वायलिन, T4 ट्रम्पेट, T5 बैंजो, T6 बेल, T7 म्यूजिक बॉक्स एंड T8 गिटार। तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये T2 अगर मैं प्ले करूँ तो फिर T3, T4,
5 D6 D7 D8 ये सारे इसके टोन्स हो गए। इसमें वॉल्यूम बटन है, आप इसको अप करके इसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके टोन्स हो गए। अब बात करते हैं, इसमें 8 राइम्स है, तो ये राइम को आप यहाँ पे स्विच ऑन कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्ले कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे राइम्स के बारे में लिखा हुआ, R1, R2, R3 to R8 क्या क्या है, जैसे R1 रॉक, R2 स्लो रॉक और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो मैं एक दो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टॉप हो जाएंगे। और एक मेन बात मैं बताना भूल गया, बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही स्पीकर है, और आप देखेंगे ये सिर्फ शोकेस है, ये इसमें इसके अंदर स्पीकर नहीं है, तो सिर्फ एक ही स्पीकर है इसमें, ठीक है। और बात करें इन बटन्स की, तो ये बेसिकली ड्रम और एनिमल की स्विच हो जाएंगी बट आवाज़ें। तो सबसे पहले वाई डिफॉल देखें तो ड्रम्स की आवाज़ है, इनको एनिमल की आवाज में स्विच करना है, तो एनिमल वाले बटन आप दबाएंगे यहाँ। उसके बाद ये डॉग की, ये फ्रॉग की, ये डक एंड ये बर्ड। तो ये हो गए इन सब बात इन सब बटन्स की बेसिकली। अब बची ये वाली बटन। तो ये इसमें 3 डेमो सॉन्ग्स हैं जो प्री रिकॉर्डेड हैं, तो अगर मैं इनको प्ले करके दिखाऊँ तो आपको, ये हो गए प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग। अब ये इस टेम्पो की बात करें, तो अगर मैं कोई प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग बजाऊं उसके बाद में इनको प्रेस करूं, तो बेसिकली स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए, तो इसको आप दबाते रहिए तो स्पीड कम हो जाएगी, इससे स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए अभी बात कर लेते हैं मेन फीचर की इसमें रिकॉर्डिंग की। सबसे पहले इसमें माइक निकालते हैं, देखते हैं माइक, ये एक छोटा सा माइक इसके साथ आता है। तो इसकी लेंथ लगभग 25 इंच की है, लगभग इसके 16 इंच लगभग। तो अब इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, प्लग इन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इसमें बोल सकते हैं। जो भी आप बोलेंगे वो बेसिकली ये स्पीकर से आपका आवाज आएगी, साथ में आप प्ले भी कर सकते हैं। और ये हो गई आपकी बेसिकली माइक से आपको बोलने सिंगल लॉन्ग वाली चीजें। अब यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले आपको बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करना होगा, तो मैं प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद फिर आपको कुछ प्ले करना होगा, उसके बाद ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप इसमें से आप प्ले कर सकते हैं।
स्टॉप कर सकते हैं। तो ये इसके सारे फीचर्स, मेरे हिसाब से तो ये 650 रेंज में काफ़ी सही है अगर आप बिगनर्स हैं और या फिर आपके अपने बेबी को आप गिफ्ट करना चाहते हैं, सो दैट दे कैन लर्न बेसिकली म्यूजिक हाउ टू प्ले। सो तो दिस इज ऑल अबाउट, तो आप देखिए, आप बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो और आप इसको लेने वाले हैं या नहीं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली दिस पियानो। तो इसके खरीदने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बेसिकली मैं आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन का लिंक दे दूंगा, इसमें आप उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप बताइए आपको कैसा लगा, और जो भी आप कमेंट से सुझाव हैं तो आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।